नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल टेक फिट अध्ययन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए आज मैंने कुछ अलग से क्वेश्चन सेट किए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? और इसका सही उत्तर है उष्णाद्र पतझड़ वन। अगला क्वेश्चन है, देश के उन भागों में जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास वर्ष भर आर्द्र 70% तक रहती है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? और इसका सही उत्तर है उष्णाद्र सदाबहार वन। अगला क्वेश्चन है, देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? इसका सही उत्तर है उष्णाद्र पतझड़ वन। अगला क्वेश्चन है, 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? और इसका सही उत्तर है मरुस्थलीय वन। अगला क्वेश्चन है, दलदली अथवा ज्वारभाटा क्षेत्र में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? और इसका सही उत्तर है मैग्रोव वन। भारत में मैग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? और इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? और इसका सही उत्तर है नीलगिरी की पहाड़ियों में। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है? और इसका सही उत्तर है जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी स्थित है? और इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, शांति घाटी अवस्थित है? और इसका सही उत्तर है केरल। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पतियां 3000 मीटर तक की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती हैं, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर की ऊंचाई तक मिलती है। एक ही पर्वत श्रेणी में इस प्रकार की विविधता का कारण है? और इसका सही उत्तर है पूर्वी हिमालय में पश्चिम हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसून वर्षा होना। क्वेश्चन नंबर 12, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। और इसका सही उत्तर है ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। क्वेश्चन नंबर 13, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। और इसका सही उत्तर है ए 4, बी 3, सी 1 और डी 2। क्वेश्चन ये पहले भी एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 14, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है? और इसका सही उत्तर है सदाहरित। क्वेश्चन नंबर 15, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं? और इसका सही उत्तर है प्रायद्वीपीय पठार पर। क्वेश्चन नंबर 16, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। और इसका सही उत्तर है ए 2, बी 3, सी 4 और डी 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का उपयोग को अधिक आसान बनाता है? और इसका सही उत्तर है 2 और 4। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? और इसका सही उत्तर है नीलगिरी पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? और इसका सही उत्तर है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? और इसका सही उत्तर है सुंदरी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? और इसका सही उत्तर है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है? और इसका सही उत्तर है उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है? और इसका सही उत्तर है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के वनों में उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय वन का योगदान क्रमशः है? और इसका सही उत्तर है 93% और 7%। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? और इसका सही उत्तर है पतझड़ वन।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।